नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि झारखंड का जो शिक्षक बहाली जो बहुत जल्द होने वाला है, इस पे झारखंड से सीटेट पास करने वालों को मौका मिलेगा कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि झारखंड में सीटेट को मान्यता मिलेगा कि नहीं, क्योंकि झारखंड में आप देख सकते हो 2016 से लेकर अभी तक मात्र या जब तक से झारखंड बना है तब से मात्र 2 बार टेट परीक्षा हुआ है। ऐसे में ये हो जाता है कि 2016 से लेकर 2022 तक काफी छात्र हैं जो कि डीएड और बीएड करके घर में बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि झारखंड में टेट परीक्षा होगी और हम टेट परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक बहाली में भाग लेंगे, या काफी छात्र सी टेट पास करके ये सोच रहे होंगे कि झारखंड में उन्हें शिक्षक बहाली पे मौका मिलेगा। तो इसी चीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या झारखंड में शिक्षक बहाली में सी टेट को मान्यता मिलना चाहिए या मिलेगा कि नहीं, और अगर झारखंड में सी टेट को मान्यता दिलाना है तो हमें क्या करना चाहिए। इसी मुद्दे पे आज हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, सभी को जागरूक करना चाह रहे हैं। और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप क्या करें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी सीटेट पास छात्र हैं सभी के पास ये वीडियो जाए और सीटेट के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हो और झारखंड में सीटेट को मान्यता मिले। तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि झारखंड में सीटेट को मान्यता मिलना चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात है कि झारखंड में सीटेट, जो भी झारखंड से सीटेट पास किए हैं उनको मौका मिलना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि झारखंड सरकार ने 2016 के बाद अभी तक टेट परीक्षा नहीं ली है, करीबन 6 वर्ष गुजर गए। झारखंड 2000 में अलग हुआ और 2000 के बाद मात्र टेट परीक्षा 2 बार हुआ, ठीक है। इस पे स्टूडेंट का गलती नहीं है कि आप क्यों नहीं लिए, स्टूडेंट का गलती नहीं है, ये प्रशासन का गलती है, पता नहीं क्यों नहीं लिया। ये लोग नियमावली बनाने में ही बहुत टाइम बिता देते हैं। 2019 में ही टेट लेने का नोटिफिकेशन आया था, लेकिन ये लोग क्या किया कि उसको बनाते 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 2022 पहुंचा दिया, अभी तक पूरा क्लियर नहीं है। और यदि आप सोच रहे हो कि झारखंड में टेट परीक्षा होगी तो भूल जाओ, क्योंकि झारखंड सरकार कह रही है कि हम पहले शिक्षक बहाली 26,000 का करेंगे, 26,000 शिक्षक का बहाली करेंगे, जिसपे पहले जो टेट पास है उनको मौका देंगे, उसके बाद जो आने वाला बहाली होगा उस पर इस बार जो टेट पास करेगा सितंबर में यदि एग्जाम होता है तो उसको मौका देंगे। तो आप सोचिए, अगर ऐसा होगा तो जितने लोग अभी सीटेट पास हैं वो लोगों को तो मौका नहीं मिलेगा। 2016 के बाद जो भी डीएलएड और बीएड किया उनको तो मौका नहीं मिलेगा, और उनको नहीं मौका मिलेगा तो उनको कब मौका मिलेगा, पता नहीं अगला नियुक्ति कब होगा, कौन जाने कब होगा। अभी जो हो रहा है और होगा में बहुत ही डिफरेंस है, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ओके। तो वही मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि बहुत बड़ा डिफरेंस है आज और कल में होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारा राज्य है जहाँ सीटेट को मान्यता दिया गया है, क्योंकि आप एग्जांपल में बिहार का ही रख लो, बिहार में भी 2017 के बाद टेट परीक्षा नहीं हुई है, वहाँ बीटेट होती है, ठीक है, बीटेट स्टेट होती है, तो वहाँ पर मौका वहाँ का बीटेट नहीं हुआ था 2017 के बाद, तो वहाँ पर जो शिक्षक बहाली हुई वहाँ पर मौका मिल रहा है। और अभी जो अभी उन लोग का 7वां या 8वां चरण का बहाली हो रहा है उसमें भी मौका मिल रहा है। ताकि ये अपनी बात को विधानसभा में उठा रहे हैं, इनके जो मंत्री हैं ये इनकी बातों को विधानसभा में उठाते हैं, उसी प्रकार आप अपने जिले के जो विधायक हैं उनको ये बात विधानसभा में उठाने बोलिए, क्योंकि अभी जो विधानसभा का सत्र है वो 1 महीना चलेगा, आपकी बातों को वहां उठाया जाएगा तभी इस पे कुछ ना कुछ विचार होगा। प्रश्नकाल पे यदि इस बात को पूछा जाता है तो मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री है इस पे जवाब देंगे, या उनके मंत्री जो है उनके जो सुप्रीमो होते हैं वो जवाब। तो कहने का मतलब है, झारखंड में यदि आप लोग सीटेट को मान्यता दिलाना चाहते हो तो आपको एक बड़ा आंदोलन करना होगा, रणनीति बनानी होगी, इसके लिए बहुत कुछ करना होगा। आपको सबसे पहले विधायकों को ये बात कहना होगा कि देखिए झारखंड में जो टीचर्स बहाली होने वाली है इस पे झारखंड सरकार का कहना है कि हम पहले टेट पास वालों को मौका देंगे। तो भैया ये बात है कि आपने टेट परीक्षा ली ही नहीं 2016 के बाद और आप कह रहे हो कि हम पहले वालों को मौका देंगे, तो ये कहां तक न्याय है? इसमें छात्रों का क्या गलती है? आप टीचर्स बहाली पहले लेते तो ये लोग कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इसमें टीचर स्टूडेंट्स का क्या गलती है? एक सेकंड के लिए सोच लो,
कि यदि जो अभी प्रशिक्षण लिए हैं और जो सीटेट पास हैं उनको अगर मौका मिलेगा तो इस पे क्या गलती है बताइए, इस पे क्या घाटा हो जाएगा? जो तेज स्टूडेंट है वही ना जाएगा। आपने कहा है कि हम टीचर्स बहाली ले रहे हैं और सीधी नियुक्ति नहीं, हम लोग एग्जाम के थ्रू करेंगे, JSSC एग्जाम लेगा, ठीक है। तो जितने छात्र हैं कैंडिडेट जिनको सबको मौका मिलना चाहिए, सभी यदि जाएंगे सबको मौका मिलेगा तो क्या होगा, जो जो क्वालिफाई होगा उसको लिया जाएगा। इसमें सिंपल सा बात है, जो अच्छा से पढ़ा पढ़ेगा, जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसको लेंगे। आपको तो अच्छी गुणवत्ता वाले टीचर चाहिए, तो फिर आप इस पे क्या रख रहे हो कि जो पहले पास किया है वो, ऐसे थोड़ी होता है। आपको चाहिए अच्छा टीचर जो बच्चों को अच्छा पढ़ा सके, ठीक है। इस पे ये नहीं देखना है कि कौन पहले मैट्रिक पास किया, कौन पहले DL BL, पहले JTET पास किया, ऐसा नहीं होता है। आपको चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, आपको चाहिए क्वालिटी टीचर, तो आपको सबको मौका देना चाहिए जो पास है। रही बात टेट का, झारखंड टेट, तो झारखंड टेट आपने लिया ही नहीं, तो इस पे हम लोगों का क्या गलती है, हमारे स्टूडेंट्स का क्या गलती है बताइए? आपने क्यों नहीं लिया JTET बताइए? आप अभी बोल JTET का नियमावली निकाल रहे हो, आप एग्जाम लो JTET का, उसमें जो क्वालिफाई होगा उसके बाद आप टीचर्स बहाली करो, उसके लिए भी स्टूडेंट तैयार है। लेकिन आप कह रहे हो कि हम बिना JTET लिए ही ये करेंगे, बाद में JTET लेंगे, ठीक है। तो ये किसी भी तरह से ये सही नहीं है, सिंपल सा बात। आप JTET नहीं ले सकते हो, तो जो भी युवा झारखंड का है और CTET पास है, झारखंड का युवा और जो CTET पास है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। अब रही बात यहां पर कि जो झारखंड में टीचर्स बहाली होगी उस पर एक पेपर रहेगा जिसमें 100 अंक के क्षेत्र लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ये कहोगे तो मैं आपको बता दूं क्षेत्र लैंग्वेज CTET पे नहीं रहता है, आप यही कहना चाहोगे, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि आप जब मैं से एग्जाम ले रहे हो उस पर क्षेत्र लैंग्वेज 100 अंक का है, तो जो CTET पास है वो भी तो 100 अंक का क्षेत्र लैंग्वेज का एग्जाम लिखेगा, उस पर पास होगा, उन्हीं को लेगा। साथ ही साथ आपने तो ये भी नियम बनाया कि जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर किया है वही भर सकता है टीचर्स बहाली में फॉर्म। तो फिर क्या झारखंड से मैट्रिक इंटर हुआ होना चाहिए? काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर CTET को मौका दे देगा तो बाहर का आदमी घुस जाएगा। घंटा बाहर का कैसे घुसेगा? बाहर का आदमी CTET पास है, लेकिन बाहर का आदमी झारखंड से थोड़ी मैट्रिक इंटर करने आया, उसका वहां दूसरा राज्य में क्या मैट्रिक और इंटर स्कूल नहीं है? अगर मैट्रिक भी कर लिया या इंटर भी कर लिया तो मैट्रिक नहीं किया होगा, दोनों में एक कुछ तो नहीं किया होगा। देखो ये एक बहाना है कि बाहर का आदमी घुस जाएगा, कभी नहीं घुसेगा, क्योंकि बाहर का आदमी CTET भले पास हो सकता है लेकिन झारखंड से मैट्रिक करने या झारखंड से इंटर करने कभी नहीं आएगा, सिंपल सा बात। ये बहाना कोई मत मारना, ठीक है। अब यहाँ पर काफी लोग बोलेंगे कि पहले 2016 वाला को मौका मिलना चाहिए। देखो भाई आप लोगों को मौका मिलना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन क्या चाहिए? देखो झारखंड का जो एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए क्या चाहिए? अच्छे टीचर्स की, और आप अच्छी तरह से टेट क्वालिफाई हो तो आपको डरना नहीं चाहिए कंपटीशन से। आप में यदि दम है तो आप टक्कर लो, जो पास होगा वो क्वालिफाई है, वो टीचर बनेगा, सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। के लिए JSSC जब एग्जाम्स लेती है तो मात्र 1200-1300 सीट रहती है, अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं 1200-1500 सीट होती है। इस पे स्टूडेंट लोग मेहनत करके उस पे एग्जाम निकाल के वो लोग पास होता है, तो आपके यहाँ पर 26,000 सीट है जिसपे 11,000-12,000 वो पारा टीचरों के लिए, 13,000 पारा टीचरों के लिए मानता हूँ, तो 13,000 सीट पे फाइट होना है, तो 13,000 सीट है, तो आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको एग्जाम देना होगा, तो क्या दिक्कत है? आप में क्वालिटी है तो आप निकाल लोगे यार, आपको डरना नहीं है किसी से। 2016 वाला लोग को मैं कह रहा हूँ, आपको डरना नहीं है। ये जो 2022 तक जो DL और BED के हैं, ये भी आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है। तो इनसे आपका कंपटीशन बस इतना ही है कि इन्हें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि अगर एक बार बहाली हो गया तो फिर पता नहीं कब होगा, कौन सा सरकार पे होगा। इससे पहले कब बहाली हुआ था आप जानते हो, 2013-15 में हुआ था, उसके बाद से अभी तक बहाली नहीं हुआ, तो पता हो कितना उम्र हो गया, कितना बढ़ गया। आप लोगों ने 2016 में पास किया है, देखिए अभी 2022 पहुंच गया है, और जो मान लीजिए आप 2017 में किसी ने DL और BED किया है तो उसका भी तो टाइम पार हुआ, उसका भी तो 5 साल पार हो गया। आपसे मात्र 1 साल बाद DL या BED किया है फिर भी वो टेट पास नहीं कर पाया, क्योंकि झारखंड सरकार ने लिया नहीं। इसमें स्टूडेंट का क्या गलती है यार? इसलिए
झारखंड में मैं कहता हूं कि सीटेट को मान्यता मिलना चाहिए और सीटेट को मान्यता दिलाने के लिए आप सभी को आगे आना चाहिए। अब इस पे आगे कौन आएगा, इस पे सभी को आगे आना चाहिए जो छात्र झारखंड से सीटेट पास किए हैं। सभी को ग्रुप्स बनाने चाहिए अपने अपने हिसाब से, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह जहां भी ग्रुप बना के एक आंदोलन खड़ा किया जाए और सरकार तक ये बातें पहुँचाई जाए, अपने विधायकों को इन बातों को पहुँचाया जाए, तभी ये आंदोलन सफल होगा। मेरी बातें और से सुनो, नहीं तो जिंदगी भर घंटा बजाओगे, खापू बजाओगे, झाल बजाओगे, लाइफ में फिर कुछ नहीं कर पाओगे। यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो यही है मौका, और मौके पे मारना है आपको चौका या छक्का, ठीक है। और मैं यही कहूंगा कि आप, हमने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है सीटेट पास ग्रुप झारखंड, तो उस पे भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, झारखंड सीटेट पास ग्रुप, और उसी के माध्यम से हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। उस पे लोग जुड़ते जाएंगे और आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो ताकि हम लोग इस ग्रुप को, इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके, इसको सही रूप दे सके, ठीक है। और आगे जो भी होगा हमें कार्रवाई करना है, और कहीं भी जाना हो तो जाना है, और झारखंड में सीटेट को मान्यता दिलाना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं झारखंड में सीटेट को मान्यता इसीलिए मिलेगा। अब काफी लोग ये पूछेंगे कि झारखंड में सीटेट को मान्यता नहीं मिलेगा, तो मैं कह रहा हूँ, खुला 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 कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सीटेट को मान्यता मिलेगा यदि आप लोग आगे बढ़ोगे, अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाओगे। अगर सरकार बातों से नहीं मानती है तो उन्हें कोर्ट तक जाना होगा, तो कोर्ट पे आसानी से आपको जीत मिलेगी, जैसा कि बिहार में हुआ था। बिहार में भी पहले सीटेट को मान्यता नहीं दिया गया था, जब छात्र हाईकोर्ट पहुंचे तब वहां बिहार में भी मौका मिला था। मैं बार बार कह रहा हूँ बिहार में भी मौका नहीं मिला था, लेकिन छात्रों ने हाईकोर्ट पे अर्जी लगाई और हाईकोर्ट ने उन्हें कहा, तब उन्हें मिला था। याद रखिएगा इस बात को, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, आप लोग अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागे, सुतल रह जाओगे। जो सीटेट पास है अभी समझ जाओ, आपको आंदोलन करना है, हमारे सीटेट वाले ग्रुप में जुड़ना है, हर जगह जुड़ना है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाना है, ठीक है। और झारखंड में सीटेट को मान्यता 100% मिलेगा, क्योंकि झारखंड सरकार ने यहाँ पर कोई टेट परीक्षा नहीं करवाई है और अभी भी कराने के मूड में नहीं है। तो सीटेट वाले सभी के लिए ये मैं वीडियो बनाया हूँ, जो भी सीटेट पास है उनको मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और ये वीडियो पूरे झारखंड में फैलना चाहिए, तभी आप टीचर बन पाओगे, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो सीटेट वाले छात्रों के मन में एक आग उत्पन्न करेगा, एक ज्वाला उत्पन्न करेगा, और सभी आंदोलन के लिए आगे आएंगे। फ्रेंड्स, बस इतना ही कह के मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।